नमस्कार दोस्तों, श्री नारायण ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शिवलिंग के कुछ उपाय बताने वाला हूँ। इनमें से कोई व्यक्ति एक भी उपाय हर सोमवार करे तो शिवजी आपकी सभी परेशानियाँ दूर करते हैं। साथ ही इन उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं क्या है वह उपाय। तो दोस्तों, पहला उपाय इन व्यक्तियों के लिए है जिनकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, तो उस व्यक्ति को यह उपाय करना चाहिए। शिवलिंग पर केसर मिला दूध चढ़ाएं और माता पार्वती की पूजा करें। इस उपाय को करने से विवाह की सारी रुकावटें दूर हो जाती है। दूसरा उपाय यह है कि यदि किसी व्यक्ति का बुरा समय चल रहा है तो आपको मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए। साथ ही इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यह उपाय सोमवार से शुरू करें और इसके बाद रोज करें। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में। अगर आपको शनि दोष है तो आपको तांबे के लोटे में पानी लेकर काले तिल मिलाने हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। यह उपाय को करने से शनि दोष शांत हो जाता है। तो आइए जानते हैं चौथा उपाय क्या है। तो दोस्तों, अगर आपकी आमदनी कम है तो आपको पारस शिवलिंग की रोज पूजा करनी चाहिए। इससे आपकी आमदनी के योग बनने लगेंगे। तो अब हम बात करते हैं पांचवें उपाय के बारे में। तो ये उपाय कुछ ऐसा है कि आपको आटे से 11 शिवलिंग बनाने हैं और फिर उनका 11 बार जल अभिषेक करना है। इस उपाय को करने से संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को